यहाँ पर ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं, हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फ़ोन नहीं ख़रीदना बल्कि आपको एप्पल कंपनी को ही ख़रीदना है। दोस्तों, अगर आपको मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स को समझना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स, जो हमें सिखाती है पैसे का सही यूज़ करना, पैसे को सही से इन्वेस्ट कहाँ पर करें, पैसे को जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई या पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, और हमेशा अमीर कैसे बने रहें। अगर आप ये सारी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप ऑडियो बुक समरी को कंप्लीट ज़रूर सुने। इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका, उम्र निकलने से पहले अगर अमीर बनना है तो इस मनी गेम को समझें। क्या होता है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, एक गरीब आदमी कैसे बने अमीर, अमीर बनना है तो लाएं ये बदलाव। इमेजिन करो, आप एक सुबह उठें, आप जानते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सारे लिविंग एक्सपेंस ही नहीं बल्कि आपके जितने भी गोल डिज़ायर हैं वह सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम। जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे उतना ही आपकी लाइफ हैप्पीनेस और फुलफिलनेस के साथ कटेगी। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर को ज़्यादा समय दे पाओगे, जब जहाँ चाहे घूम पाओगे। बहुत सी फैमिलीज में बचपन से सिखाया जाता है ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, आपके पास जितना कम हो उतना बेहतर है, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है, या आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर ना हो जाओगे, जब तक आपको पेंशन चालू न हो जाए, या फिर शायद तब तक जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए, वो जिम्मेदारी ले ले पैसे कमाने की, तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आप रिटायर हो पाएंगे। इन फैक्ट्स से फैमिलीज में पैसा या स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात ही नहीं होती। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया तब घर को चलाया, कैसे वह बीमार होकर भी काम पर जाते थे, बारिश के मौसम में तेज़ बारिश होती थी फिर भी उससे लड़कर काम पर जाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट सालों से है, तब भी बहुत ही रेयर यानी 1% से कम लोग ही इस बारे में सोचते थे, उसके 1% लोग इसे हासिल करते हैं। लेकिन सच यह है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो चाहे वह महीने का 10,000 कमाए या 10 लाख, वह इसे हासिल कर सकता है। इस बुक मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए, अगर आप उसे सच में डिज़ायर करते हो तो। इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सेप्ट जैसे वॉरेन बफेट, चार्ल्स कॉलआइकन के इंटरव्यू के लिए और उनकी एडवाइस ली। यह लोग जो सेल्फ मेड बिलीनियर हैं, जिनसे शायद हम पूरी लाइफ में कभी मिल भी नहीं पाएंगे, इनकी इम्पोर्टेंट एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी हैं। पॉइंट नंबर 1, वेलकम टू द जंगल। जिस तरह आप एक अनजान घने जंगल में एंटर करते हो, अब आपको पता नहीं कौन सा जानवर कहाँ से कब आ जाए, उसी तरह जब आप ज़्यादा पैसा कमाने लगते हो तो आपको पता नहीं चल कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज़्यादा बड़ी है, वो इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ साफ पता होता है आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने एक शेर है तो आपको पता है वह आपकी जान ले लेगा, वह शेर आपकी झूठी कहानियाँ नहीं सुनेगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे फेक कोच, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियली एडवाइज़र, बैंकर्स, जो ज़्यादातर अपना खुद का फ़ायदा देखते हैं, ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में ही आते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं, इसलिए लोग न जानते हुए भी इनका शिकार बनते हैं। इन फैक्ट हम अपने खुद के दुश्मन हैं जब हम बिना लॉजिक के कुछ डिसीजन लेते हैं लालच में या आलस में आकर। तो इसलिए अगर आपको अमीर बनना है
सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अमीर बने रहना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। वह आप तभी कर पाओगे जब आप इतने एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल होंगे। पॉइंट नंबर टू, नाउ द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं, हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फ़ोन नहीं ख़रीदना बल्कि आपको एप्पल कंपनी को ही ख़रीदना है। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे हैं जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी टाइम उसे खर्च करने में या बचाने में निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्ट के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है। इसको आंसर है स्टॉक मार्केट में। लेकिन इंडियन मेंटलिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है रियल इस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गले में या बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर या शायद होम लोन लेकर दूसरा घर या दूसरी दुकान ले लेते हो, तो उसको आप रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हो। यानी लोगों की सोच होती है फाइनेंशियली फ्रीडम, मतलब दूसरा घर दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चे के काम आ सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यह सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया के सारे अमीर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर कहते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वह इसलिए क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप गेम खेलकर ही सीखते हो, लेकिन यह रूल्स आप जितना जल्दी जानो उतना अच्छा है। ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल्स लिस्ट किए हैं। इसमें से एक है, आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को इजीली बीट नहीं कर सकते। यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स या निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली नहीं ला सकता। इनफैक्ट सिर्फ 4% एक्टिवली मैनेज फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। 100 म्यूचुअल फंड में से सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे। इंडिया में और हर जगह म्यूचुअल फंड ज़्यादा फेमस है। वह इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती, इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 3, व्हाट द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप 10 लोगों से पूछो कि उन्हें एकदम आराम की ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो आप 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़ या रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा की विश करता है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, तो आपको एक्सेप्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आपका टोटल मंथली खर्च 30,000 प्रति माह होता है, मतलब साल के 3.6 लाख होते हैं, तो आपको सिर्फ 60 लाख चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। वह ऐसे अगर आप 60 लाख किसी भी बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं, तो आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, जो हर साल 3.6 लाख होता है। यानी आप एक बार 60 लाख जमा करके बैंक में डाल दो, फिर बैंक आपको हर साल 3.6 लाख देगी, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो यह 60 लाख आपके 10 करोड़ या 100 करोड़ से भी बहुत कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ की महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाली कुछ सालों में 3.6 लाख कम पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम महंगे होते जाते हैं। इसलिए मैं पर्सनली डेट फंड का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अगर आप किसी इन्वेस्टिंग फंड में पैसा डालोगे तो इन्फ्लेशन से बेटर रिजल्ट देता है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। या फिर आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक ले लो। मान लो आपने किसी एक ऐसी कंपनी का स्टॉक ले लिया जो अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे ITC, कैस्ट्रॉल इंडिया या बजाज ऑटो, तो आपको हर साल उस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, जिससे आपका एक्सपेंस कवर होगा और साथ ही इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसको ऑथर लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन यह बताया जा रहा है कि आप लाइफ में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अपना ड्रीम
फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। यह सब तभी होगा जब हमें एग्जैक्टली यह पता होगा हमें कितना अमाउंट चाहिए। हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो तो वह शायद सपना ही रह जाएगा। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझो। वहां पहुंचने के लिए आप अपने गोल को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट गोल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ करके सिर्फ इतना सेव कर लो जिसकी इनकम आपको हर महीने का अनाज, लाइट बिल व वाटर बिल पे कर सके, जो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा खर्चा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे। इसकी वजह से आपको जॉब से निकाले जाने का डर इतना नहीं होगा। आप इजीली अपना पुराना जॉब छोड़ सकते हो जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें दूसरा अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं, या फिर कितने टाइम में मिलेगा, फिर बिल्स कैसे भरेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। सेकेंड गोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस गोल के अक्सर लोग सपने देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपका महीने का खर्च कवर होता है, फिर आपको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हो तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चुन सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। तब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ नया शुरू करने की, कुछ बड़ा सोचने की। फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर सकते हो। फाइनेंशियल एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको ऑथर इस बुक में अल्टीमेट गोल कहते हैं। इस स्टेज में आपका पैसिव इनकम इतना होगा जो आपके हर महीने का खर्चा, वोकेशन और लग्जरी लाइफ को भी सपोर्ट कर पाएगा। अभी ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में मुश्किल है। इसको गेन करने में कई साल लग जाते हैं। सच यह है कि अगर आप सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालो, उसकी ज़रूरी नॉलेज हासिल करो, फिर इस प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर दो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP के थ्रू, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपने आप होते रहें। आपकी सैलरी आते ही यह शुरू में तो मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन बाद में आसान। जब आप इस पहाड़ में थोड़ा ऊपर चढ़ जाओगे तो बाकी का सफ़र अपने आप हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं। इस पर ही लोग हमेशा गिव अप करते हैं। थर्ड गोल, एसेट एलोकेशन। आप अपनी लाइफ का सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, वह एसेट एलोकेशन है। इसका मतलब यह है कि आप कितना पैसा कहाँ रखते हैं, यह मैटर करता है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा सबके पास होता है, लेकिन हम उसे कहाँ रखते हैं यह मैटर करता है। कुछ लोग पैसा कमाकर अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट, या कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट में। दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक्स खरीद लेते हैं या म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उसके इंटरेस्ट से अमीर हुआ हो? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे उतना ही अच्छा है, ताकि आपकी हिम्मत उतनी जल्दी खुलेगी। वरना आप 30 या 40 की एज को क्रॉस करने के बाद आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे। फोर्थ गोल, क्रिएट लाइफ टाइम इनकम प्लान। यहाँ पर ऑथर ने एक बड़ा सेक्शन फेमस इन्वेस्टर और बिलियनियर रे डालियो की हेल्प से लिखा है। रे डालियो, जो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स यानी बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, जिसके लिए वह बहुत ज़्यादा फी भी चार्ज करते हैं, लेकिन उन्होंने ऑथर को फ्री में यह स्ट्रेटजी बताई है। आपका पोर्टफोलियो किस प्रकार होना चाहिए? 30% स्टॉक में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कम्युनिटीज़ में। मेरे हिसाब से यह पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से डिवर्सिफाइड है, मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको कंसिस्टेंटली इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं वह सब इंक्लूड हैं, सिर्फ रियल इस्टेट को छोड़कर। फिफ्थ गोल, इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001% डू। इसका मतलब आप
ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं। इस सेक्शन में ऑथर ने हमें बहुत सारे अमीर लोगों की इंटरव्यू के नोट्स दिए हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लेसन यह हैं, कुछ मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना सारा पैसा रिस्क पर रखते हैं सिर्फ 4% से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर यूजली कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे 1/5 यानी 400% रिटर्न। ऐसा तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो। मिडिल क्लास लोग अक्सर बुरे टाइम में, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय लोग लाइन में लगकर अनाज खरीदते हैं। अमीर लोग उस समय स्टॉक मार्केट खरीदते हैं, वह भी एक सस्ते प्राइस पर, जो उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। दोस्तों, यह सेक्शन बहुत बढ़िया है। टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने बहुत सारी फेमस बुक्स भी लिखी हैं। पैसा आपको एक्सपीरियंस में खर्चा करने का मौका देता है, जैसे आप वेकेशन पर जाते हैं, अपने लिए फ्री टाइम खरीदने का मौका देता है, जिससे आपके लिए पैसा काम करता है। फिर यह फ्री टाइम आप अपने चाहने वालों के साथ एक्सपेंड करो, या फिर वही पैसा आप अपनी सिक्योरिटी में ज़रूरतमंद लोगों को दो, यह आपकी चॉइस है। लेकिन जब आप सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करते हो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके, तो आपको उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको मनी मास्टर द गेम बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मनी मास्टर द गेम बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, आप नेक्स्ट बुक समरी किस बुक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपनी फेवरेट बुक का नाम कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।